जी, धसवाना साहब, अमिताभ जी, जनता जनार्दन, आपका भी शुक्रिया डेढ़ घंटे के इस विशेष बुलेटिन में हमारा हिस्सा बने रहने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोई जरूरत नहीं है जांच वांच कराने का, जांच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाप भी और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना, क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक कर रही थी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराए, ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस की लेना है, चांस की लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? And then interestingly refreshing mini gums ajli kya behan ji ke is janmdin ke subh avsar par hum sare karyakarta उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा जो उम्र है वो भी बहन जी को लग जाए, और मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। 15 जनवरी का यह ऐतिहासिक दिन प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए गर्व और गौरव का दिन है जिनके विकास और सम्मान का रास्ता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों से निकला है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता की ये कामना है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारत की प्रधानमंत्री बने और भारत के प्रत्येक व्यक्ति का नेतृत्व करें। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक बहमुख समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एक घिनौना सच नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने बेनकाब किया है। गिरोह के 2 सदस्य पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं। खबर एक चेतावनी भी है, समझ जाइए अगर होटल या फिर कोई गेस्ट हाउस छुट्टियां बिताने के लिए बुक किया है तो फिर उसकी जांच पड़ताल भी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई अनहोनी जाने अनजाने आपकी हस्ती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा दे। बंद कमरे की निजी पल, बंद कमरे के खुशनुमा एहसास, बंद कमरे के आपके विचार, लेकिन बंद कमरे के बहुत हैं सौदागर जो हैं आपके निजी लम्हे चुराने में माहिर। नोएडा साइबर क्राइम सेल का दफ्तर, ऑफिस के अंदर चेहरा छिपाने की भरसक कोशिश करते ये दो लोग, खूबसूरत शक्ल के वारिस लेकिन सोच उतनी ही गंदी, इंसानियत शर्मसार कर देने वाली। मीडिया के कैमरे इनकी हर एक हरकत कैद करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी शक्ल पर पर्दा डालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हरविंदर और अंकुर यही नाम है इनके।
पंजाब के जालंधर जिले के ये बाशिंदे हैं। चलिए इनकी वो शर्मनाक करतूत आम की जाए जिस गुनाह के लिए ये लोग पुलिस के मेहमान बने हैं। मीडिया के जिस कैमरे से हरविंदर और अंकुर बचना चाहते हैं, दरअसल उससे खेलना इनका शौक था। किसी परिवार की इज्जत सरेआम करना इनका पेशा था। सुनिए जरा। और उसने ये कहा था कि उसकी उसके कुछ प्राइवेट सीन्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं किसी साइट पे। और उसने भी बताया कि हम यहाँ के होटल में जाके ठहरे थे और मुझको पूरा विश्वास है कि ये उसी होटल से ये सीन हमारे लिए गए हैं। ये किस थाने में एफआईआर दर्ज? थाने में एफआईआर कायम हुई है और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा साइटों पे अपलोड हुआ है ये। जैसा कि बताया गया है राजस्थान में एक जगह का होटल है। ये थे नोएडा पुलिस के साइबर क्राइम सेल के डीएसपी साहब। नोएडा के ही रहने वाले एक कपल ने थाना सेक्टर 58 में शिकायत दर्ज करवाई थी। छुट्टियां बिताने दंपति राजस्थान गया था। होटल का एक कमरा किराए पर लिया गया था, लेकिन इस दौरान बंद कमरे के उनके निजी पल कैद कर लिए गए। बंद कमरे के उनके निजी लम्हे तकरीबन दर्जन भर वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए। पीड़ित परिवार खौफ ज़दा था। तहरीर लिखवाई गई। नोएडा पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने मामला गंभीरता से लिया और फिर गिरफ्तार कर लिए गए हरविंदर और अंकुर। 6 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट का संचालन करने वाले शातिर। देखिए, इसमें जिन्होंने वेबसाइट डिजाइन किया है उनकी तलाश है हमको। और ये पोर्नोग्राफिक साइट जिस पे होस्ट हुई है, जिस कंपनी ने इसको होस्ट किया है, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों को करनी है। और इसमें जिन लोगों ने क्लिपिंग बनाई है उनके पीछे तहकीकात चल रही है। और जो संभावना है उस पर हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं। जैसे कोई प्रगति होती है, हम जांच से पता चला है कि करीब 6 साइट इन लोगों ने खुद बना रखी थी और उस पर इस तरह के विजुअल्स जो हैं और इस तरह की क्लिपिंग्स जो है ये अपलोड किए थे। किसने इस तरह उनके विजुअल्स जो है होटल से बने हैं और इस बिंदु पे हम लोग जांच। होटल और गेस्ट हाउस से साठ गांठ, दंपति और कपल्स की अश्लील क्लिप्स तैयार करना, वेबसाइट पर अपलोड कर देना, आज वाकई महंगा पड़ गया इन्हें। जिस कैमरे से खेलना इनका शौक था, वही कैमरा इनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। पुलिस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करना चाहती है। पूछताछ जारी है, लेकिन ये वार्ता सावधान भी करती है। होशियार रहिए, छुट्टियां बिताइए जरूर, लेकिन जरा संभल कर। निर्भय पांडे, नोएडा, समाचार प्लस। खबर मुरादाबाद से जुड़ी है। 2 लाश मिली है शहर के पौश इलाके की एक पौश बिल्डिंग से। एक लड़का और एक लड़की की, दोनों की मौत एक पहेली बनी हुई है। लड़का लड़की का परिवार खुलकर सामने नहीं आ रहा, मौत की वजह साफ नहीं हो पा रही। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सवाल फिर वही, आखिर क्या है, सुसाइड या फिर मर्डर? मुरादाबाद की गॉड ग्रेशियस सिटी, पॉश इलाके की पॉश बिल्डिंग, यहाँ का फ्लैट नंबर 3024। मकान मालिक हैं एक डॉक्टर सुधीर सिंह। रात का वक्त, खामोश अंधेरे को चीरती ये सनसनी। बिल्डिंग के मेन गेट पर एक नहीं बल्कि दो दो एम्बुलेंस मौजूद हैं, क्योंकि वारदात ही दिल दहला देने वाली है। अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 3024 से एक नहीं बल्कि 2 लाश मिली है, एक लड़के और एक लड़की की।
रिश्ता था प्रेमी प्रेमिका का। अंकिता सिंह डॉक्टर सुधीर सिंह की बेटी मुरादाबाद के एक डेंटल कॉलेज से बीडीएस की छात्रा थी। दरअसल अंकिता का परिवार 12 जनवरी के दिन शहर से बाहर गया था। बस अंकिता ने बॉयफ्रेंड अभिषेक को घर बुला लिया, लेकिन सनसनी उस वक्त फैल गई जब अंकिता और अभिषेक का शव घर के बाथरूम से संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। ये गौर ग्रेसियस एक कॉलोनी है जिसमें एक लड़के और एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, बाथरूम में इनकी डेड बॉडी मिली है। अब संदेहास्पद परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली है, अभी कोई वैसे स्पष्ट कारण नहीं नजर आ रहे हैं, इनका पीएम करा करके ही स्पष्ट कारण इसका पता चल पाएगा कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है। लड़की बीडीएस कर रही है यहीं से, लड़के के बारे में बता रहे कि लड़का कहीं से मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। अभिषेक दिल्ली का रहने वाला था, साथ ही उत्तराखंड के बाजपुर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। अभिषेक और अंकिता की लाश पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन दोनों की मौत के बाद कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं। आखिर एक साथ दोनों की मौत कैसे, क्या वजह रही होगी? अंकिता और अभिषेक ने खुदकुशी की या फिर कोई साजिश है? जब गए हम वहाँ दरवाजा तोड़ा गया था, बाथरूम को खोला गया था, उसके अंदर उनको पाया गया था। क्या नंबर था वो? फ्लैट नंबर है 3024। लड़का तो उत्तम नगर का बताया जा रहा है और लड़की एक स्टूडियो में वो छात्रा है। क्या करते हैं लड़की के फादर? डॉक्टर है। क्या किस तरीके से निकाला, क्या हुआ था? वो तो बाद में वो आए थे, एम्बुलेंस वाले आए थे, उन्होंने मना कर दी, फिर पुलिस वाले आए थे, वो बुला लेके गए। वहीं मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पहुंची अंकिता की मां ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, चुप्पी साध रखी है। लेकिन परिवार की इस खामोशी की आखिर क्या वजह मानी जाए? ये मैडम आई थी पीछे रोड में से, यहाँ आई, हमने ताला खुला, उन्होंने एक थैली में आया है एक लौंडा, उन्होंने बोला, बोले कहीं ना लेने आए हैं, एक बैग भी है उनके हाथ में, वो उन्हें लेकर भाग। जैसे कोई अनजान आता है तो आप उसे कैसे जाने देते हैं अंदर? जो अगर पीछे से आता है लेने तो कोई एंट्री नहीं करते, तो अकेला आता है तो एंट्री करा ले। यार इंटरकॉम से पूछते हैं। बोलो। अंकिता और अभिषेक की मौत की हकीकत क्या है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? परिवार खुलकर बयान देना नहीं चाहता, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आखिर क्या वजह हो सकती है, खुदकुशी या फिर हत्या? सवाल यहां भी उठता है, अगर अंकिता और अभिषेक ने खुदकुशी ही करनी थी तो फिर घर पर ही क्यों? दोनों घर के बाहर भी ये स्टेप उठा सकते थे। पुलिस को हर एंगल से तफ्तीश कर मौत की ये उलझी गुत्थी सुलझानी होगी। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे पति पत्नी और वो। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बहन जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा जो उम्र है वो भी बहन जी को लग जाए, और मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास।
इंसानियत की साख पर बट्टा लगातार लगाया जा रहा है। यूपी में हैवानियत का खेल जारी है। इस बार शहर रामपुर एक मजलूम की